भी हम लोग नया बकरा लेके आते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसको कुछ सर्दी वगैरह होती है, तो उसके लिए कुछ देसी और जो है वो आयुर्वेदिक नुस्खे मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंशाल्लाह उससे आपके बकरे का थोड़ा कफ वगैरह भी होता है, सर्दी वो भी जाती है। एलोपैथिक के साथ ये एक टाइम पे ये काढ़ा बना के पिलाओ, इंशाल्लाह बहुत फायदेमंद है। मैं पिलाता हूँ इंशाल्लाह। मेरा एक नया बकरा एक आया हमारा मेरे भाई का ट्रैवल करके, उसके लिए हम लोग काढ़ा बनाने जा रहे हैं, तो आपको दिखाता हूँ उसमें क्या क्या आपको लेना है। सबसे पहले तो 1.5-2 गिलास पानी ले लो, क्योंकि उसमें से 1 कप मैं भी पीऊंगा, ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले हम लोगों को ना इसमें जो है वो 1 से 1.5 चम्मच जो चाय की पत्ती ले लेना है, ठीक है। ये चाय की पत्ती हमने ले लिया है, ठीक है। 2 चम्मच चाय की पत्ती ले लिया मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें और क्या मिक्स करना है। चाय की पत्ती मिक्स होने के बाद दोस्तों 1 मिनट तक इसको पहले ऐसी उबाल आने दो, ताकि जो चाय के जो इंग्रेडिएंट्स है वो एब्सॉर्ब हो जाए पानी में, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। बहुत अच्छा काढ़ा बनता है, मैं भी पीता हूँ सर्दी के लिए, मेरी अम्मी का नुस्खा था यार, ठीक है। और हम लोग बकरे को पिलाते हैं ठंडी में, जिसको सर्दी वगैरह होती है, एलोपैथिक के इलाज के साथ ये करते हैं फ्रेंड्स। मैंने अभी इसके अंदर 1 मिनट बाद जो है ना थोड़ा सा गुड़ डाला है, ठीक है। और गुड़ के साथ ही साथ जो है वो मैंने इसके अंदर शहद डाला है 2 चम्मच, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें 3 कप बनाऊंगा, 1 कप मैं पीऊंगा और 1 कप जो है वो बकरे को पिलाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो 2 चम्मच ऐसा वाला शहद और 1 बड़ा चम्मच वाला जो गुड़ आता है वो 2 चम्मच चाय की पत्ती का थोड़ा सा उबालेंगे। इसके अंदर अब हम लोग अदरक या सौंठ का जो पाउडर आता है वो डालेंगे। अब फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर देखो ये अदरक डाल रहा हूँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट तक क्या खुशबू आ रही है, इसको अच्छे से शेक करेंगे, ठीक है। और बन जाएगा हमारा, मतलब 1 मिनट चाय पत्ती को बॉईल होने देना, ठीक है। उसके बाद फिर आप गुड़ और शहद डाल देना, उसके बाद ये डाल देना, क्या बोलते हैं अपना, अदरक और थोड़ा सा जो वो काला नमक आता है ना वो डाल देना, तो एकदम टेस्ट जो आता है ना वो जल्दी रहा शरबत के साथ है। बकरा भी अच्छे से पीता है माशाल्लाह। माशाल्लाह देखो ये बकरा हमने मंगाया, हमारे इदरीस भाई ने हमें बकरा भेजा है, सीकर से ट्रस्टेड सेलर है, हमेशा इन्फॉर्मेशन वेट की परफेक्ट आती है। और कट्टू की गाड़ी में भी अगर लगाते तो ऐसी गाड़ी में लगाते जिसमें माल कम हो। तो अब हम लोग ये नए बकरे को हमारे पिलाएंगे, देखते हैं हमारा काढ़ा पीता है कि नहीं पीता है पापा। और माशाल्लाह पी रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर लाइट कम है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये पूरा काढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पी रहा है, अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी। अच्छा काढ़ा पिलाने से पहले ना आयत शिफा हम लोग पढ़ लेते, मेरे मम्मी भी करते थे कि अलहमद शरीफ पढ़ लेते थे, और जब भी नया बकरा आता था तो सदका मम्मी देते थे, क्योंकि PPR के लक्षण ना दोस्तों यहीं से शुरू होते हैं। जो ट्रैवल में बकरा आता है ना उसमें PPR के लक्षण बहुत शुरू होते हैं, ठीक है। तो ये पी लेगा तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा, मैंने जहाँ पर बिल्डिंग काम चालू रहा वहाँ इसको बांधा है। तो अच्छा मैं चाय की पत्ती मैंने तो पीने के लिए छान लिया था, लेकिन जब आप बकरे को पिला रहे तो चाय की पत्ती वगैरह कुछ भी नहीं छानना है, जस्ट हल्का सा कुनकुना करके इनको जो है वो पिला देना है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं उजाले में दिखाता हूँ, ये माशाल्लाह देखो पूरी मेरी पतीली इसने पूरी चाट गया है माशाल्लाह, है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा खाना दूंगा, क्योंकि ये जब अच्छा ये ट्रैवल से आया ना बहुत भयंकर सर्दी थी इसको भाई, ख़तरनाक नाक बह रही थी, ओके। तो अभी हम लोग वही करते, जब बकरा आता है माशाल्लाह ना हमारे पास, तो अगर PPR देखो लक्षण वही लगते, तो इस इनिशियल स्टेज में अगर बकरा तुम्हारे पास आया तो इसको थोड़ी सर्दी वगैरह है, तो भाई 2 टाइम पे इसको चेस्ट एंड कोल्ड प्लस एमोक्सासिलिन 500 सुबह शाम इसको देते हैं हम लोग, ठीक है। 3 दिन तक अगर प्रॉपर रिकवर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इंजेक्शन वगैरह की तरफ जाते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह आज इसका डीवॉर्मिंग भी कर देंगे, माशाल्लाह इसने पी लिया है पूरा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ी हरी पत्ती खिलाता हूँ, और 10 दिन तक के हरी पत्ती देना, जस्ट नाम के लिए कुछ जौ वगैरह मिक्स करते हो तो मिक्स करना, लेकिन फिर उसके साथ बेकिंग सोडा पिला देना, ठीक है। कट्टू की गाड़ी में आने का दिन इनिशियली आपको 1 हफ्ता बहुत संभालना होता है बकरा। माशाल्लाह जब भी मैंने उसको काढ़ा पिला दिया, और अभी हम लोग इसको हरी पत्ती खिला रहे। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, आयते शिफा मतलब अलहमदो शरीफ तो भाई हम लोग पढ़ के फूकते ही है, जब भी कोई भी चीज़ पिलाते अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह शिफा अता फरमा, और नए जानवर पे सदका वगैरह भी देना पड़ता है, बिकॉज ये ना भाई मेरी अम्मी का मानना है कि ज़िंदगी मौसीफ अल्लाह ताला के हाथ में, मेरा भी मानना है। तो बस कट्टू की गाड़ी से आने के बाद हफ्ता भर बहुत संभालना पड़ता है, बस अल्लाह ताला इस प्यारे से बच्चे को सहदिया भी दे। हाँ, और मैं बता रहा था जैसे कि अगर मैं बताता हूँ कोई ट्रेडर बहुत लोचा करता है तो कुछ ट्रेडर अच्छे भी है, जैसे इदरीस भाई सीकर वाले, उनकी डिटेल ऑलमोस्ट जब भी उन्होंने बकरा भेजे डिटेल परफेक्ट आई, और इदरीस भाई ने माशाल्लाह मैंने नहीं भी लिया उनसे बकरे तो भी उन्होंने ना भाई बकरे ट्रांसपोर्टेशन में मेरी बहुत हेल्प की,
तो कोई अगर ईद के लिए लेना सोच रहा है बिजनेस के लिए, तो इदरीस भाई भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हो सीकर में, वो आपको ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। मैं तो ये कहूँगा अगर कोई बिजनेस करना चाहता है उनसे बैठो, डायरेक्ट जाओ उनके घर पे, मिलो, बातचीत करो, अच्छा माल उठाओ, अच्छे इंसान है, ठीक है। बहुत सारी वीडियो डाल चुके, नई नंबर है तो मैं पर्सनल में मुझसे पूछ लेना, मैं उनके नंबर दे दूंगा, ठीक है। पर्सनली विजिट करने में क्या रहेगा कि आपको भी जो है वो बकरा पसंद आ जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ बता सकता हूँ, तारीफ कर सकता हूँ, बाकी अगेन कहूँगा भाई लेना ना लेना आपके ऊपर है, पर्सनली विजिट करो। मेरे लिए तो उन्होंने हमेशा हेल्प किया, मेरे लिए क्या, बहुत से लोगों के लिए जिन्होंने बकरा नहीं भी लिया उनके बकरे भी पहुँचाए मुखलिसी में, ठीक है। तो अच्छा, ये बकरे की दुआ करो कि अल्लाह सेट हो जाए आफियत वाले मामला से, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। और मैं तो चाहता हूँ यार दुनिया में जिनके भी बकरे हैं, समझे, किसके भी बकरे हैं, कोई से भी बकरे, हमारे किसान भाई, हमारे गुजर भाई, हमारे फार्मर, सबके बकरे का अल्लाह शिफा अता फरमाए। क्योंकि खुदा ना खास्ता बकरे कुछ होता है ना, पैसे का नुकसान भी होता है, दिल भी बहुत दुखता है, ठीक है। तो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, अब मैं इसको एंड कर देता हूँ, इसकी भी हरी पत्ती खत्म होने आ गई माशाल्लाह।